Hey guys, welcome back. और आज मैं आपको लेके आई हूँ यहाँ पर भांगड़गढ़ के किले में, जो कि यानी रत्नावती के लिए बहुत ही फेमस है. और ये है भांगड़गढ़ का किला. और यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये किला काफ़ी अट्रैक्टिव है. स्पेशली ये जो है, इसके हॉन्टेड होने के कारण बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं और देखना चाहते हैं कि ये सच में हॉन्टेड है या नहीं है. और मुझे भी बहुत सारे लोगों ने यही रिकमेंड करा कि प्लीज़ भांगड़गढ़ जाइए और हमें भी उसके कुछ बारे में बताना कि ये सच में हॉन्टेड है या नहीं है. तो मैं भी आज यहीं देखने आई हूँ कि ये सच में हॉन्टेड है. बट इसे देखकर तो ये बहुत ही अच्छा सा प्लेस है और ये बहुत सुंदर लग रहा है. तो इसमें अभी हॉन्टेड वाली कोई चीज़ नहीं है. बाहर थोड़े इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे कि 7 बजे के बाद यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होगी. तो ये जो किला है, ये राजा माधव सिंह ने बनवाया हुआ है. और यहाँ की जो रानी थी, वो अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी, रानी रत्नावती. और काफ़ी जो राजा महाराजा थे, वो उनसे विवाह करना चाहते थे. तो आप देख रहे हैं जिस तरह से ये बहुत ही सुंदर किला है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. ये जो है किला, ये बस जस्ट स्टार्टिंग है. आगे चल के हम आपको दिखाएंगे, असली किला जो है वो आगे है. और इस किले में एक श्राप था कि कोई भी, अगर जो भी किसी ने यहाँ पे श्राप दिया हुआ था कि जो भी इस किले के अंदर है वो सारे मर जाएंगे, तो उन्हें कोई भी दूसरा जन्म नहीं मिलेगा. तो इसी वजह से यहाँ पर रात को जो है काफ़ी आवाज़ें सुनाई देती है, ऐसा लोगों का कहना है. और यहाँ पे जितने भी लोग मरे थे या जितने भी लोग थे रानी रत्नावती के लिए, भी यही कहा जाता है कि उनकी आत्मा यहाँ पर रात को आती है और श्रृंगार करती है. सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है. तो आगे देखते हैं हम क्या ये सचमुच सही है या फिर बस एक अफवाह है. हे गाइस, वी आर ओवर हियर. और ये है रत्नावती का किला, भांगड़गढ़ का किला. और यहाँ पर जैसे कि इंस्ट्रक्शंस आपको मिल चुकी है कि 7 बजे के बाद यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन हमने अपने अंदर यहाँ पे छुपा लिए हैं. और हम भी देखेंगे कि इसमें क्या हलचल होती है, क्या कैप्चर हो पाता है या नहीं हो पाता, क्या सच में यहाँ पर आवाज़ें आती है या फिर सचमुच यहाँ पर रानी श्रृंगार करती है. तो ये हम जानेंगे 7 बजे के बाद. और हम अभी जस्ट घूम रहे हैं, कैमरे हमने फिट कर दिए हैं हर जगह पे. और वो कैमरे कल सुबह आकर हम हटाएंगे, तो देखते हैं क्या उसमें कैप्चर होता है और हम करेंगे यहाँ की हिस्ट्री को रिवील. यार ये कहाँ से हॉन्टेड लग रहा है यार, इतना सुंदर है ये, क्यों इसको ऐसे हॉन्टेड बोलते हैं. ये देखें यहाँ पे कुछ सुंदर सा मंदिर है, पता नहीं अभी ये किस चीज़ का है, आई डोंट नो, बट बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा है. यहाँ पे देखो सराउंडिंग कितना सुंदर है. लव द प्लेस, नो हॉन्टेड, नो मोर हॉन्टेड, इट्स लवली. वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग. प्लीज विजिट हियर वंस. Love the place.